गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सेल्फ केयर टिप्स बाय श्रेया। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल एज ऑफ योर फैमिली। गाइज इफ़ यू आर न्यू और आप मेरी वीडियोज पहली बार देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी मुझे अपना फीडबैक दीजिए। गाइस हु डोंट लाइक फेशियल्स, एंड इफ आई टॉक अबाउट फ्रूट फेशियल्स देन इट्स लाइक सोने पे सुहागा। बट इफ आई से कि अब आपको सैलून्स पर जाकर घंटों टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्रूट फेशियल लाइक ग्लो चाहते हैं, या फिर अगर आप घर पर भी कर रहे हैं तो आपको मेस फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब मार्केट में शीट मास्क अवेलेबल हैं जो कि 10-20 मिनट्स में हम फेशियल लाइक ग्लो प्रोवाइड कर देते हैं। सो गाइज अगर हमें घर पर ही 15 मिनट में वो फेशियल वाला ग्लो मिल रहा है तो हम घंटों टाइम वेस्ट क्यों करें? गाइज इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद द शीट मास्क। फर्स्ट ये टाइम इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। एक शीट मास्क अराउंड 50-100 रुपीज का हमें मिल जाता है। प्लस शीट मास्क को यूज़ करने के बाद जो हमारी स्किन स्मूथ फील करती है, प्लम्प एंड सॉफ्ट फील करती है, दैट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। शीट मास्क हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। प्लस ये डीपली पेनेट्रेट होता है हमारे स्किन पोर्स के अंदर, जिससे हमारी स्किन अंदर से भी हेल्दी फील करती है। सो गाइज आज मैं जो शीट मास्क ट्राई करने वाली हूँ दैट इज़ लैक्मे ब्लश एंड ग्लो फ्रूटी लीशियस शीट मास्क। एक्चुअली इसके 5 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, 5 अलग अलग फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट्स इनमें अवेलेबल हैं। तो आज मैं इसी मास्क को ट्राई करने वाली हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ रहेगा, जो भी इसके डूज एंड डोंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, एक प्रोसीजर होता है शीट मास्क को लगाने का। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से आए हैं या हमने विदाउट एनी फेस वॉश हमने इसको यूज़ कर लिया, नहीं। जब भी हम शीट मास्क यूज़ करेंगे, स्टेप 1 हमारा होता है कि हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना है। तो फेस मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आप इसको और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो तो आप इसको 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना हमें फ्रीज नहीं करना है, हमें जस्ट इसको ठंडा करना है ताकि ये और इफ़ेक्टिवली काम करे। तो फ्रीज से निकालने के बाद हम इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे, रब करेंगे, ताकि जो भी इसके अंदर सीरम है वो एक्टिव हो जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे, टेयर कर लेंगे और हमारे पूरे फेस के ऊपर एज अ मास्क हम इसको अप्लाई करेंगे। सो गाइज जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, इसके मेन पैकेजिंग के ऊपर इसका फ्लेवर नहीं लिखा हुआ था, बट जो हमें शीट मास्क रिसीव हुआ है दैट इज़ स्ट्रॉबेरी शीट मास्क। स्ट्रॉबेरी के जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो इसके अंदर इन्फ्यूज़ किए हुए हैं और जो भी इसकी डिटेल है वो हमें बैक साइड ऑफ द पैकेज मिल जाएगी। सो गाइज इस तरह का शीट मास्क सीरम से भरा हुआ हमें ये रिसीव होता है। सो गाइज इसको हम ओपन कर लेंगे और अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। गाइज यू हैव टू बी वेरी पेशेंट ताकि ये कहीं से भी फट ना जाए। जेंटली हम इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे और अच्छे से इसको पैट कर लेंगे। गाइस जैसे ही हम शीट मास्क लगा लेंगे, हम 10-15 मिनट्स के लिए वेट करेंगे। इस टाइम पर हम ना तो ज़्यादा बोलेंगे, ना कोई एक्टिविटी करेंगे, जस्ट अपने बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करेंगे ताकि इसकी जो भी इफ़ेक्टिवनेस है वो हमारी स्किन के अंदर अच्छे से पेनेट्रेट हो जाए। साथ में इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा सीरम मिलता है, यानी 2-4 ड्रॉप्स इसके अंदर होती है, उसको हम लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसको अपने मास्क के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें
तो इसको अपने हैंड्स के ऊपर भी मसाज कर सकते हैं, डैट इज़ अप टू यू। मैं क्या करती हूँ, मैं मोस्टली इस सीरम से अपने हाथों की मसाज कर लेती हूँ। अगर मैं लैक्मे शीट मास्क की बात करूं तो ये बायोडिग्रेडेबल शीट मास्क है, कॉस्ट ₹100 ईच पैक। और इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करूं तो इसके अंदर है ग्लिसरीन, नायसाइनमाइड एंड फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने ये यूज़ किया है तो इसके अंदर स्ट्रॉबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट हमें मिला है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है, क्योंकि ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। गाइस अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ और आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। सो गाइस 15 मिनट्स मुझे हो चुके हैं और इसका सीरम पूरे अच्छे से मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। अब एक बात का और ध्यान हमें रखना है कि हमें इस मास्क को 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, यानी हमें इस मास्क को ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि जब भी हमारा मास्क हमको ये अप्लाई करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, जो भी सीरम इस मास्क के अंदर है वो हमारे स्किन के अंदर जाएगा। जैसे ही हमारी शीट सूखने लग जाएगी तो ये रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस, यानी जो सीरम हमारी स्किन के अंदर गया है वो वापस बाहर आके शीट मास्क एब्जॉर्ब कर लेगी, बट ये तो हमें नहीं चाहिए। तो जैसे ही 15 मिनट्स हो जाएंगे ये सूखेगा नहीं और उसी टाइम पर हमें इसे रिमूव कर देना है। 15 मिनट्स हो चुके हैं तो आइए हम अब इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद डायरेक्टली हमें इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसके अंदर जो भी अभी लेफ्ट ओवर सीरम है उससे हमारे फेस के ऊपर हमने मसाज करनी है। इसको हम यूज़ करेंगे सर्कुलर मोशन में मसाज करने के लिए, जिससे और भी इसके अंदर जो लेफ्ट ओवर सीरम है वो हमारे स्किन के अंदर आ जाए। सो गाइस शीट मास्क उतारते ही आप देख रहे होंगे कि फेस के ऊपर एक अलग ही ग्लो हमें देखने को मिल रहा है। एक्चुअली मुझे भी इंटरनली फील हो रहा है कि स्किन बहुत ही हाइड्रेटेड हो गई है। हम फेस के साथ साथ में केरिया पर भी मसाज कर सकते हैं या फिर अपने हैंड्स के ऊपर भी इसको लेकर के मसाज कर सकते हैं। गाइस अगर मैं बात करूँ कुछ और हैक्स की या टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो फर्स्ट थिंग कि हमें फेस वॉश करके ही इसे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर हम फेस वॉश नहीं करेंगे तो जो हमारे फेस के ऊपर डर्ट एंड डस्ट है वो हमारे स्किन के अंदर जाएगी, प्लस वो हमारे स्किन पोर्स को क्लोक कर देगी, जिस वजह से जो भी इसकी गुडनेस है वो हमारी स्किन को मिलेगी नहीं। इसको अप्लाई करने के बाद, रिमूव करने के बाद हम मसाज करेंगे, और मसाज करने के बाद ये गलती भूल कर भी ना कर देना कि आप फेस को वॉश कर लो। नहीं, फेस वॉश करने से जो भी सीरम होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा और हमें सीरम लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं कि क्या ये शीट मास्क रीयूजेबल है, देन इट्स अ बिग नो। इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये वन टाइम यूज़ है। इसको यूज़ करने के बाद हमें इसको डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमें 10 से 15 मिनट से ज़्यादा इसको हमारी स्किन के ऊपर नहीं रखना है, हमें इसको ड्राई नहीं होने देना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि इसका परफेक्ट टाइम क्या है अप्लाई करने का, नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद हम सोने वाले हैं, जिससे रात को जब हमारी स्किन हील होगी, रिपेयर होगी स्किन सेल्स, तो हमारा सीरम बहुत एक्टिवली काम करेगा और पॉल्यूशन के या फिर बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। इन रिटर्न हमें शीट मास्क के डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है, कोई इवेंट या पार्टी अटेंड करनी है, तो उससे पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि इंस्टेंट हाइड्रेशन एंड इंस्टेंट ग्लो हमारी स्किन को मिल जाए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर मैं बात करूँ मेरा एक्सपीरियंस, तो मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। आप खुद ही देख रहे हैं कि इंस्टेंट हाइड्रेशन एंड इंस्टेंट ग्लो मिल गया है पूरी स्किन को। एंड रिकमेंडेशन की बात करूँ, देन आई विल हाईली रिकमेंड इट। प्लीज़ 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 गिव इट अ ट्राई। आपकी स्किन इतनी हेल्दी फील करेगी, इतनी ग्लोई फील करेगी कि आप इसको रूटीन में यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।